हेलो बच्चों वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल विद्यास मस्ती की पाठशाला तो अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था लास्ट लेक्चर में हमने वेन डायग्राम क्या होता है ये जाना था बराबर है सेट के आगे चले थे हम हम लोग बराबर है आ, हम लोगों ने सबसेट क्या होता है ये जाना था उसके बाद यूनिवर्सल सेट जाना था आ, दोनों के इंटरसेक्शन क्या होता है यूनियन क्या होता है हमने ये जाना था बराबर है उसके बाद हमने सबसेट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी जान लिया था अभी उससे रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे तो आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 पॉइंट थ्री शुरू करेंगे बराबर है इसमें सेवन क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है और सेवन क्वेश्चन में भी कुछ सब uh, टाइप में क्वेश्चन दिए है तो थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो सकता है ठीक है ओके okay? तो ले स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो आपको दिया है इफ ए इज इक्वस टू एक सबसेट दिया है ए बी सी डी ई ठीक है उसके बाद बी इज इक्वल टू सी डी ई एफ सी इज इक्वल टू बी कॉमा डी और डी इज इक्वल टू ए कॉमा ई बराबर है इतना दिया हुआ है अभी इसमें क्या लिखा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स मतलब हमें सिंपल में क्या यहाँ पर पूछा है ट्रू और फॉल्स तो अभी हम एक एक सेंटेंस को चेक करेंगे ठीक है एक एक हम लोग सॉल्व करेंगे देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सी इज सबसेट ऑफ बी सबसेट कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर हमारा जो सी का एलिमेंट है वो हमारा बी में होंगे बी इस बी के जो क्या बोलते हैं सेट है उसमें सारे सी के एलिमेंट मौजूद होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे सबसेट तो हमारा बी क्या सबसेट है सी डी ई एफ ओके सी डी ई एफ और सी का क्या है बी कॉमा डी और बी और डी दोनों बी में है क्या देखो बी में है क्या बी और डी दोनों डी तो मिल जाएगा आपको ये देखो डी तो मिल गया लेकिन सी दिख रहा है क्या आपको सी नहीं है देखो सी में जो सी नहीं है बी में सी नहीं है देखो सी C सी C में कौन कौन से है बी कॉमा डी तो यहाँ पर सिर्फ डी है बी नहीं है मतलब दिस इज ट्रू और फॉल्स फॉल्स क्योंकि यहाँ पर एक है लेकिन एक तो नहीं है तो हमें दोनों चाहिए बराबर है सेकेंड देखो अभी इस इसी में सेकेंड देखो ए सबसेट ऑफ डी ठीक है ए सबसेट ऑफ डी तो ए क्या दिया है ए आपको दिया है ए बी सी डी ई ठीक है ए इज सबसेट ऑफ डी ये बोला है डी में क्या दिया है ई कॉम ए कॉमा ई तो क्या ये होगा आप सोचो जरा आपको ये ये पूछा गया है क्या कि डी ऐसा पूछा है क्या उन्होंने डी इज सबसेट ऑफ ए ऐसा नहीं पूछा उनने उल्टा पूछा है देखो ए इज सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ डी ये पूछा है तो आप सोचो ए में कौन से है पूरे पाँच है और डी में ए और ई e है तो ए और ई e, आपको ये क्या ए में डी uh, में दिख रहे हैं क्या ए बी सी डी ई ये चारों आपको डी में दिख रहे हैं क्या देखो मिल रहे हैं क्या मुझे तो नहीं मिल रहे आपको अगर ऐसे पूछा जा ऐसे पूछते डी का सारा एलिमेंट ए में है क्या मतलब ए कॉमा ई सबसेट ऑफ ए बी सी डी ई ऐसे पूछते तो यह करेक्ट होता कि डी के सबसेट डी के एलिमेंट ए में है तो ये ट्रू होता लेकिन ए के एलिमेंट उल्टा डी में है क्या ये पूछा है तो नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर पांच एलिमेंट यहाँ पर दो ही दिए हैं तो ये होगा आपका फॉल्स इतना समझ लिया बच्चों उसके बाद थर्ड देखो थर्ड देखो थर्ड में क्या दिया है थर्ड में क्या है डी इज सबसेट ऑफ बी अभी डी और बी देखो डी कहाँ पर है ये देखो ए और ई e है इसमें और बी में क्या है सी डी ई एफ तो ई e तो मिल जाएगा आपको ये देखो ई e आसानी से मिल गया लेकिन ए नहीं है मतलब ये भी होगा आपका फॉल्स क्या होगा फॉल्स बच्चों समझ रहे हैं क्या आपको बस आपको जो फर्स्ट नंबर में दिया है एलिमेंट उसका सेकेंड नंबर के एलिमेंट के साथ मैच है क्या वो एलिमेंट सेकेंड नंबर में प्रेजेंट है क्या ये आपको चेक करना है ठीक है उसके बाद आपको फोर्थ क्या दिया है डी इज सबसेट ऑफ ए डी के एलिमेंट ए में है क्या देखो डी में क्या है ए और ई ठीक है और यहाँ पर ए में क्या है ए बी सी डी ई ये देखो ये जो आपको सेकंड नंबर का था ये इससे रिवर्स था उल्टा था इसलिए आपको वो फॉल्स आया लेकिन अभी देखो डी डी में जो ए और ई e है ये आपको ए बी सी डी ई में दिख रहा है इसलिए ये ट्रू हो जाएगा आपका आंसर इतना समझ गया बच्चों ये क्या है ट्रू उसके बाद हम फिफ्थ फिफ्थ देखते हैं फिफ्थ में क्या है बी इज सबसेट ऑफ ए बराबर है बी इज सबसेट ऑफ ए तो कहाँ पर है बी कहाँ पर है देखो बी में क्या है सी डी ई एफ ये है बराबर है सॉरी बी में है सी डी ई एफ और ए में क्या है ए बी सी डी ई तो ये देखो सी है डी है ई e है लेकिन ये जो यफ दिया हुआ है एक्स्ट्रा का यफ ये यफ इस ए में ए सेट में नहीं है तो मतलब ये क्या हो गया फॉल्स हो गया एक भी अगर लेटर नहीं होगा तो वो आपका फॉल्स हो जाएगा हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ज़्यादा नंबर के एलिमेंट्स वहाँ पर मौजूद है तो हम लोग इसको ट्रू बोल देंगे ऐसा नहीं होगा ठीक है मुझे सारे के सारे एलिमेंट चाहिए प्रेजेंट उसमें तो सी इज़ सबसेट ऑफ ए तो ये दिया है सिक्स नंबर का तो देखो सी के में क्या है सी में है बी कॉमा डी बराबर है और ए में हमारा क्या चाहिए हमें ए में सी कॉमा डी है क्या ए में है क्या बी कॉमा डी देखो ये यहाँ पर बी है यहाँ पर डी है मतलब ये होगा फिर ट्रू समझ गए तो आपका फर्स्ट सेकेंड और उसके बाद थर्ड ये फॉल्स है उसके बाद आपका फिफ्थ और हाँ तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फिफ्थ आपका फॉल्स है और सेकेंड एंड फोर्थ एंड सिक्स इज ट्रू समझ गया बच्चों तो ये सिंपल थी एक्सरसाइज अभी हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या करना है हमें uh, हमें टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम वन टू ट्वेंटी इज इज़ एज यूनिवर्सल सेट एंड शो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम आपको एक निकालना है सबसे पहले यूनिवर्सल सेट तो हम क्या करेंगे क्या करेंगे सबसे पहले लेट यू इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट में क्या लिखना है नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं हमारे वन से सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी दिस इज योर यूनिवर्सल सेट राइट उसके बाद आपको लिखना है एक्स और वाई का सबसेट ठीक है तो आपका फर्स्ट क्या है दिया है एक्स एक्स देखो एक्स क्या लिखना है एक्स में कौन कौन से ब्रैकेट है एक्स एक्स ज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर क्या बोला है सेवन एक्स इज लेस ग्रेटर बट लेस देन फिफ्टीन ग्रेटर और लेस देन इक्वल नहीं बोला है मतलब सेवन के ऊपर तक आएगा ठीक है सेवन के बाद में आएगा ठीक है तो कौन कौन से नंबर आएंगे एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन नहीं आएगा क्योंकि इक्वल नहीं बोला है उन्होंने सिर्फ ग्रेटर बोला है बराबर है तो ये आएगा आपका क्या बोल सकते हैं इसको एक सेट हो गया एक सबसेट हो गया ठीक है अभी दूसरा देखो एक्स तो मिल गया हमें वाई देख लो अभी वाई में क्या दिया है वो भी हमें शो करना है तो सेकेंड में देखो वाई में हम क्या लिखेंगे वाई इज इक्वल्स टू वाई इज वाई इज़ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट वाई इज़ प्राइम नंबर फ्रॉम वन टू ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी तक हमें प्राइम नंबर ढूंढने हैं तो इस हम यहाँ पर हम लोगों ने वन टू ट्वेंटी सारे नंबर लिख लिए हैं यूनिवर्सल सेट में तो वही से हम प्राइम नंबर शुरू करेंगे तो वन वन नहीं आ सकता क्योंकि वन इज़ ए नेचुरल नंबर बराबर है तो वो प्राइम नंबर नहीं है टू प्राइम नंबर है थ्री प्राइम नंबर है फाइव प्राइम नंबर है सेवन प्राइम नंबर है देन इलेवन प्राइम नंबर है उसके बाद थर्टीन देन आपका आता है 17 देन आपका आता है नाइनटीन तो ये सारे क्या होगा सेट ऑफ वाई वाई के सेट होंगे तो हम वाई का सेट लिखते हैं कौन सा है टू थ्री फाइव 7 इलेवन थर्टीन 17 एंड देन नाइनटीन दिस इज योर प्राइम नंबर सेट फ्रॉम वन टू ट्वेंटी राइट तो ये थे आपके कुछ आंसर्स ठीक है अभी अगर आपको uh, यहाँ से हमें लोगों को अगर बोलना है इन्होंने और कुछ पूछा है कि हमको नहीं पूछा है अगर ऐसा बोल देते कि आपको यहाँ पर सेट या यूनिवर्सल सेट सबसेट बताना होता तो हम क्या यहाँ पर एक एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग बच्चों देखो यहाँ पर बोला है इन्होंने एक्स एक्स और वाई दिया है तो क्या एक्स इज यूनिवर्सल सबसेट ऑफ इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या एक्स ये सबसेट है क्या यू का तो देखो एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन ये सारे यूनिवर्सल सेट में है तो एक्स इज यूनिवर्सल सेट ऑफ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट बराबर है एंड वाई देखो वाई में वाई में जितने भी नंबर्स है वो भी यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है तो वाई इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट समझे बच्चों इतना समझ गए हाँ तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं तो इतना समझ गया होगा शायद तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट में आपको दिया है एक यूनिवर्सल सेट दिया है एक आपको सबसेट दिया है तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपको सॉल्व करना है फर्स्ट क्वेश्चन देखो शो द यू पी एंड पी डैश इन वेन डायग्राम वेन डायग्राम में आपको वी पी यू पी और पी डैश शो करना है ठीक है और सेकेंड है पी डैश का डैश इज इक्वल्स टू पी ये भी आपको शो करना है तो देखो बच्चों सबसे पहले यूनिवर्सल सेट मतलब हम लोग लिख लेते हैं चलो आप लोग ये लिख लेंगे आ, बुक में वन टू थ्री देन सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व दिस इज योर यूनिवर्सल सेट P क्या है आपका वन थ्री सेवन और टेन बराबर है अभी देखो ये तो आपको गिवन है अभी हम लिखेंगे P डैश क्योंकि हमें P डैश की जरूरत है तो P डैश मतलब क्या होगा जो एलिमेंट्स P में प्रेजेंट है यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट पी में प्रेजेंट है वो हमारे आ, वो हमारे उसके उसे छोड़कर उस एलिमेंट को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट होंगे यूनिवर्सल सेट में वो पी डैश में आएंगे ठीक है उसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं ये आप देखो वन है उसके बाद टू नहीं है पी में तो हम लोग टू लिखेंगे देन थ्री है सेवन है देन एट नहीं है तो हम एट लिखेंगे नाइन नाइन भी नहीं है देन टेन है देखो यहाँ पर देखो टेन है यहाँ पर तो यहाँ पर टेन नहीं लिखेंगे इलेवन ट्वेल्व नहीं है तो इलेवन ट्वेल्व लिखेंगे तो ये होगा आपका पी डैश समझे बच्चों तो अभी हमें वेन डायग्राम निकालनी है तो मैं यहाँ पर वेन डायग्राम निकालती हूँ चलो यहाँ पर निकालती हूँ अगर मैं इसको रेक्टेंगल शेप में दिखाती हूँ अगर तो मेरे यूनिवर्सल सेट में क्या आएंगे मेरे यूनिवर्सल सेट में सारे ही आ जाएंगे देखो वन मैं यहाँ पर लिखती हूँ टू देन मेरा यहाँ पर थ्री आता है देन मैं यहाँ पर क्या लिखती हूँ सेवेन uh, देन मैं टेन uh, लिखती हूँ एट देन नाइन उसके बाद मैं टेन लिखा और क्या लिख सकती हूँ इलेवन और ट्वेल्व अगर मैंने ऐसे लिखा तो मैं मेरा ये क्या होगा यूनिवर्सल सेट मैं यहाँ पर यू दिखा सकती हूँ बराबर है तो चलो ये, ये ऐसे नहीं दिखाते जस्ट वन मिनट यूनिवर्सल सेट हम क्या कहाँ पर दिखाएंगे यहाँ पर मैं चलो यहाँ पर मैं यूनिवर्सल सेट ऐसे लिख, लिख दूँगी बराबर है उसके बाद मैं इसको एक लाइन एक बॉक्स में डालूंगी या सर्कल में डाल दूंगी इसे ठीक है ऐसे एक शेप पे डाल डालूंगी और इसको मैं नाम क्या दू दूंगी पी क्या दूंगी पी ठीक है तो ये गए पी और जो बचे हुए हैं बाहर यूनिवर्सल सेट के अंदर और इस सर्कल के बाहर वो होंगे आपके पी डैश तो मेरी डायग्राम समझ में आई आपको तो ये होंगे आपके ऐसे वेन डायग्राम ठीक है बच्चों अभी हम सेकेंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं इसी में सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है आपको पी डैश और डैश को वेरीफाई करना है पी के साथ तो पी आपका सेट दिया हुआ है क्या दिया है वन थ्री सेवन टेन तो आपको क्या करना है पी डैश पहले हम पी डैश लिखेंगे पी डैश हमारा क्या है टू एट नाइन इलेवन और ट्वेल्व बराबर है अभी हमें क्या लिखना है पी डैश का पी डैश का डैश मतलब जो P में प्रेजेंट है वो एलिमेंट U में से हमें कट करना है और रिमेनिंग लिखना है तो देखो मैं टू को कट करती हूँ बराबर है अगर मैंने उसके बाद एट को कट करती हूँ देन नाइन को भी कट करती हूँ इलेवन और ट्वेल्व को कट करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है वन थ्री सेवन एट सॉरी एट नहीं आएगा सॉरी बच्चों हाँ एट नहीं आएगा उसके बाद आ, सेवन के बाद क्या आएगा टेन या आ जाएगा बस ख़त्म बाकी तो है यहाँ पर तो अभी देखो अभी देखो कंपेयर मैं यहाँ पर लिखूँगी कंपेयर पी डैश ओके सॉरी पी कंपेयर कंपेयर पी एंड पी डैश ऑफ पी डैश ऑफ डैश ओके अच्छे से लिखती हूँ मैं बच्चों आपके लिए समझ में आना चाहिए ये थोड़ा धीरे हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होगी पी डैश ऑफ डैश सो so, इसमें अगर हमने कंपेयर तो किया तो हमें क्या मिलेगा पी इज इक्ल्स टू पी डैश ऑफ डैश समझो बच्चों तो ये आपका आंसर होगा थर्ड तो ये देखो इजी इजी क्वेश्चन है फटाफट हो रहे हैं ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट देखो आपको आ, ये ऊपर वाली लाइन नहीं है ये ऊपर वाली जो लाइन है वो आपकी आ, कौन सी लाइन है वो आपकी थर्ड क्वेश्चन की लाइन है ठीक है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन की लाइन नहीं है वो मैं इसको इरेज कर सकती हूँ तो देखती हूँ जस्ट वन मिनट जस्ट गिव मी वन मिनट इसको हटा देती हूँ आपको दिखाई नहीं देगा हाँ तो अभी देखो तो अभी हमें क्या करना है फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फोर्थ क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोला है एक सेट दिया हुआ है ए ए वन थ्री टू सेवन ये आपको सेट दिया है अभी आपके इसके थ्री सबसेट लिखना है मतलब जो ऐसे सबसेट लिखने हैं जो जिसके एलिमेंट ए में प्रेजेंट होंगे तो आपको फिलहाल के लिए ए को कंसिडर करना होगा आपका आ, क्या बोल सकते हैं आप लोग यूनिवर्सल सेट कंसीडर करो और उसके सबसेट तैयार करो तो अगर मैं यहाँ पर आ, पहले बी नाम से सबसेट रेडी करती हूँ तो उसका मैं क्या लिख सकती हूँ वन एंड कॉमा थ्री तो ये सबसेट है बराबर है उसके बाद मैं सी नाम देकर थ्री कॉमा टू ये भी एक सबसेट है ए का देन मैं अगर यहाँ पर डी नाम देकर टू कॉमा सेवन लिख सकती हूँ देन अभी मैं ई e देकर क्या लिख सकती हूँ और वन कॉमा टू बराबर है देन और मैं क्या लिख सकती हूँ वन सेवन बराबर है और मैं क्या लिख सकती हूँ uh, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ थ्री uh, सेवन बराबर है और सोचो आपको बस इस इस वाले ब्रैकेट को देखना है और सबसेट रेडी करने हैं और मैं बताओ और क्या कर सकती हूँ आप लोगों आप लोग भी सोचो मेरे साथ ही सोचो टू सेवन वो भी हम हम लोगों ने लिख लिया ठीक है तो इतने सारे आपके सेट बन गए हैं अभी मुझे एक और नहीं समझ में आ रहा है कौन सा होगा लेकिन अभी इनमें से आपको कोई भी तीन लिखने हैं आप कोई भी तीन लिख सकते हो ठीक है मैंने यहाँ पर छः आपको दिए हैं तो आप इसमें से कोई भी तीन लिख सकते हो बच्चों ठीक है तो हाँ और एक देखो वन थ्री टू ऐसा भी बना सकते हैं और क्या बना सकते हैं हम लोग वन थ्री टू बना दिया थ्री टू सेवन देन अभी और कौन से बना सकते हैं वन टू सेवन और बताओ और सोचो और सोचो वन थ्री सेवन देखो इतने सारे बन रहे हैं तो आप बनाने के लिए बहुत सारे बना सकते हो लेकिन आपको इनमें से सिर्फ तीन लिखने हैं समझे बच्चों नेक्स्ट अभी नेक्स्ट मोका है फिफ्थ क्वेश्चन देखो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको कुछ आ, सेट दिए हैं इसको हमें सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है उसके बाद हमें इसमें से यूनिवर्सल सेट क्या है ये बताना है ठीक है तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट में अगर मैं इसको फर्स्ट सेंटेंस को ए लिखती हूँ पी इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पूना ठीक है पूना पूना को हम लोग यच से डिनोट कर लेते हैं ठीक है अभी मेरे पास एलिमेंट नहीं है तो मैं यच ले लेती हूँ ठीक है तो पी इज सबसेट ऑफ पूना यच ओके बी उसके बाद सेकेंड सेंटेंस क्या है यम इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन मध्य प्रदेश यम क्या है इज द सबसेट ऑफ रेसिडेंट्स इन मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश को मैं आर दे देती हूँ तो चलो आर ओके देन सी सी क्या क्वेश्चन क्या है आर इज़ द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंदौर इंदौर में जितने भी रेसिडेंट हैं उसको आर डिनोट करती हूँ तो इसको मैं दे देती हूँ थी। यम सॉरी यन दे देती हूँ ठीक है यन ये वारे वारे मैं अपने मन से ले रही हूँ जन आर एच ओके वो आप, आप लोग भी ले सकते हो डी से देखो बी इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंडिया ठीक है बी इज सबसेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंडिया को आई ले लिया मैंने ठीक है देन फिफ्थ देखो यच इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन महाराष्ट्र यच कौन सा सेट्स है ऑल रेसिडेंट्स इन महाराष्ट्र इसको मैंने यम लिख लिया अब देखो पूना में जितने रेसिडेंट्स है वो सिर्फ पुना में होंगे बराबर है उसके बाद मध्य प्रदेश में जितने होंगे वो सिर्फ मध्य प्रदेश में होंगे इंदौर में होंगे तो वो सिर्फ इंदौर शहर में होंगे ठीक है लेकिन भारत में जितने होंगे इंडिया में जितने होंगे वो इंडिया में सारे इंक्लूड हो गए महाराष्ट्र इंक्लूड हो गया उसमें पूना भी इंक्लूड आया उसमें मध्य प्रदेश भी आ जाएगा उसमें इंदौर शहर भी आ जाएगा बराबर है भारत में सभी सभी राज्य आ जाएंगे ना ऐसे हमारा भारत में सभी राज्य आ आ जाएंगे ठीक है तो इंडिया में सारे, है, सारे, सारे स्टेट सा, सा, आ, सारे शहर हमारे इंक्लूड हो जाएंगे तो बराबर है तो हमारे यूनिवर्सल सेट क्या हुआ मतलब ये तो आपके सेट का रिप्रेजेंट हो रिप्रेजेंटेशन हो गया तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ लेकिन सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या है विच ऑफ द सेट कैन यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट कौन सा हो सकता है डी क्या होगा डी बी इज सेट ऑफ ऑल रेसीडेंट्स रेसीडेंट्स इन इंडिया इन इंडिया क्यों इंडिया ये कौन सा है फोर्थ नंबर का तो मई बी इज सबसेट ऑफ आर क्योंकि इंडिया में तो सारे इन्वॉल्व हैं बराबर है महाराष्ट्र में सिर्फ महाराष्ट्र के लोग होंगे बराबर है तमिलनाडु के लोग होंगे क्या नहीं साउथ इंडियन लोग नहीं हो सकते बराबर है पंजाबी लोग नहीं हो सकते कम हो होंगे लेकिन कम होंगे तो वो सिर्फ एक रीजनल हुआ मतलब सिर्फ एक रीजन बता रहा है लेकिन इंडिया में सारे सारे आते हैं सारे स्टेट आते, आते हैं इसलिए वो एक यूनिवर्सल सेट हुआ समझे बच्चों नेक्स्ट अभी हम आगे बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन देखो सिक्स क्वेश्चन में क्या दिया है विच सेट ऑफ द नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ़ द गिवन बिलो आपको कुछ सेट दिए हैं इसमें आपको यूनिवर्सल सेट बताना है मैं फर्स्ट ले ले यहाँ पर ले लेती हूँ ये देखो ए क्या दिया है सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ फाइव फाइव का सेट का मल्टीपल लिखना है तो फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी अप टू कहीं तक जा सकता है बी इज मल्टीपल सेट ऑफ सेवन बी कौन सा सेट है सेवन का मल्टीपल तो सेवनटीन फोर्टीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी एट ये भी कहा कहीं तक जा सकता है क्योंकि यहाँ पर लिमिट नहीं दी है इन्फिनेटी तक देन सी इज सेट ऑफ ट्वेल्व ठीक है ये बराबर है यह भी कहीं तक जा सकता है ठीक है क्योंकि यहाँ पर लिमिट नहीं दी है अभी आपको इसमें से ऐसे नंबर्स ढूँढने हैं जो आपके तीनों सेट में आएंगे बराबर है देखो फाइव फाइव किस में आ रहा है और किस में नहीं आ रहा है देख ये आपको लिखना है ठीक है ओके सो फाइव आपको दिख रहा है क्या फाइव नंबर फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी क्या ये नंबर बी में आ रहे हैं क्या देखो ज़रा बी में आपको मिल रहे हैं क्या मिल रहे है? अगर आपको मिल रहा है तो बताओ मुझको नहीं दिख रहे फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ये ना इसमें दिख रहे ये ना इसमें दिख रहे दिख रहे है क्या नहीं दिख रहे तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो पाएगा क्या कोई भी एक यूनिवर्सल सेट नहीं हो पाएगा ए ए नहीं है बी देखो सेवेंटीन फोटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी एट क्या आपको ये कहीं पर भी दिखाई दे रहे हैं कहीं पर भी ये मैच हो रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा यहाँ पर ओके यूनिवर्सल सेट आपको ढूंढना है ठीक है यहाँ पर आपको नेचुरल नंबर मिल गए आपको होल नंबर मिल जाएंगे यहाँ पर स्क्वायर मिल जाएंगे लेकिन आपको यूनिवर्सल सेट नहीं मिल रहा मतलब इनका इनका अगर आपको यूनिवर्सल सेट निकालना है ठीक है अगर आपको स्पेशल अगर अगर बोलना होगा कि इनको यूनिवर्सल सेट बनाओ तो मैं क्या लिख सकती हूँ वन से आपको कंटिन्यू जाना है जब तक आप जा सकते हो बराबर है कंटिन्यू कंटिन्यू तभी आपको ये सारे इसमें मिल जाएंगे ए बी सी ये सारे इसमें मिल जाएंगे लेकिन बच्चों अगर मैं किसी पर्सनली एक को बोलूँगी ए बी या सी इन तीनों को देखो और यहाँ पर कौन सा ऐसा सेट है जिसमें सारे एल, एलिमेंट इन्वॉल्व है ऐसा कोई है क्या नहीं है तो यहाँ पर इन कोई भी सेट खुद होकर एक यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता ठीक है उसके बाद आपको देखना है सेकेंड क्वेश्चन अगर इसका आंसर आपको कहीं डाइजेस्ट पे अलग दिखा होगा तो प्लीज़ इसको मुझे बताना कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना ठीक है मुझे इसमें कन्फर्म नहीं है तो आप लोग इसको एक बार मैम को अपने टीचर को पूछ लेना ठीक है बच्चों अभी मैं सेकेंड बताती हूँ पी इज सेट ऑफ इंटेजर विच इज विच आर मल्टीपल ऑफ फोर पी एक ऐसा इंटीजर है वो जो फोर का मल्टीपल है देखो तो फोर फोर का मल्टीपल लिखो फोर एट ट्वेल्व देन सिक्सटीन ये कंटिन्यू होंगे बराबर है एंड देन टी आपका क्या बोला है सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर ठीक है ऑल इवन स्क्वायर नंबर तो स्क्वायर नंबर कौन कौन से आपके ऑल इवन स्क्वायर नंबर तो देखो फोर उसके बाद नाइन नहीं आता देन आपका आता है सिक्सटीन बराबर है इतना बराबर है देन आपका फाइव नहीं आता देन सिक्स का क्या है थर्टी सिक्स सेवन नहीं आता एट का क्या है सिक्सटी फोर तो ये सारे क्या हो गए इवन नंबर हो गए और स्क्वेर नंबर हो गए बराबर है कि नहीं तो ये आपके देखो फोर आ जाएगा लेकिन एट नहीं आ रहा ठीक है ट्वेल्व नहीं आ रहा देन सिक्सटीन आ रहा है बराबर है तो एट और ट्वेल्व तो आ नहीं रहे तो मतलब ये यूनिवर्सल सेट हुए क्या नहीं ना तो इनमें से कोई भी एक सेट यूनिवर्सल सेट हो सकता है लेकिन यहाँ पर आपको अलग भी दिखाना होगा कुछ ठीक है जैसे इंटीजर्स होंगे सिर्फ इंटीजर्स तो इंटीजर्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस ऐसा अगर दिया हुआ है होगा तो आपको हम लोग लिख सकते हैं तो और एक आपको ब्रैकेट यहाँ पर दिया है पी इज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ़ फोर तो इंटीजर्स में सिर्फ पॉजिटिव नंबर नहीं आते यहाँ पर हम लोग और ऐड क्या कर सकते हैं निगेटिव नंबर भी ऐड कर सकते हैं जैसे माइनस फोर माइनस एट माइनस ट्वेल्व माइनस सिक्सटीन समझे बच्चों तो ये देखो इसमें से फिर भी आपका एट और ट्वेल्व मिसिंग है तो इसमें से कोई भी यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता ठीक है तो ये मेरा आंसर है लेकिन आप फिर भी इस सिक्स वाले क्वेश्चन का एक बार आंसर चेक कर लेना ठीक है देन अभी हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व uh, करना है तो देखो ये सबसे इजी क्वेश्चन है आपको आपका जो क्लास है उसमें एक वो एक यूनिवर्सल सेट uh, है ठीक है स्टूडेंट्स ऑफ होल क्लास मतलब अगर आपके इस क्लास में फोर्टी फाइव स्टूडेंट होंगे तो वो आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा बराबर है तो उन्होंने इन्होंने क्या बोला है ए इज द स्टूडेंट हु गेट परसेंट सिक्योर मार्क ठीक है और मोर देन मोर मार्क्स इन मैथ्स मोर मार्क्स इन मैथ्स ओके तो ए कौन सा स्टूडेंट है ए इज द स्टूडेंट हु एक्स 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 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर कैन सिक्योर क्या है एक्स इज द नंबर हु सिक्योर एक्स इज एक्स इज हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको चलो ऐसे लिख देते हैं देखो फिफ्टी परसेंट ग्रेटर दैन इक्वल टू ओके बच्चा ये यह देखो यहाँ पर लिख देते हैं ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एक्स बराबर है एक्स को फिफ्टी से ग्रेटर मिल सकता है या फिफ्टी तक मिल सकता है उससे नीचे नहीं मिल सकता मैथ्स में बराबर है तो बी हमारा से देन क्या हुआ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बचा हुआ क्या है आपका एक्स एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्स इज क्या है 49 uh, x एक्स इज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा अभी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यहाँ पर एक्स डैश दे देते दे हैं हम लोग या सिर्फ और और एलिमेंट लिख लेते हैं क्योंकि हमने एक्स ऊपर लिया तो यहाँ पर हम लोग वाई लिख लेते हैं देखो बच्चों वाई वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वाई इज क्या लिख सकते हैं हम लोग वाई इज ग्रेट लेस देन लेस देन फोर्टी नाइन ओके ऐसे लिख सकते हैं वाई हमारा फोर्टी नाइन से लेस ही होगा ठीक है लेस लेस होगा तभी एक्स हमारा फिफ्टी के ऊपर होगा और वाई क्या होगा 49 से नीचे होगा समझे बच्चों तो x हमारा 50 या 50 से ऊपर होगा और x आप बाई आपका 49 से नीचे होगा आपको ऐसा लिखना है आंसर ठीक है ये करेक्ट है ओके तो यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस सेट 1.3 ख़त्म हो गई यहाँ पर अगर कोई आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सिर्फ क्वेश्चन नंबर सिक्स को छोड़कर तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं आपको उसे नेक्स्ट लेक्चर में समझा सकूँ ठीक है बच्चों बाय बाय अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ वन पॉइंट फोर के साथ बाय बाय